नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। राहुल गांधी ने पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उनके वकीलों के तरफ से आत्मसमर्पण सह जमानत पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट में वो हाजिर हुए, उनकी पेशी थी। दरअसल ये मामला जो है वो मानहानि का मामला था। उनके ऊपर पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की तरफ से मानहानि का जो मुकदमा था वो दायर कराया गया था। दरअसल बैंगलोर के एनएसआईटी निखारता है आपकी प्रतिभा को। एनएसआईटी, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। एनएसआईटी अम्हारा बेटा पटना। एक सटे इलाके में उन्होंने एक रैली की थी, जनसभा को संबोधित की थी, जहां पर उन्होंने मोदी टाइटल को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद सियासत काफी गर्मा गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी किस तरह से पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में पहुंचे। वहां पर उनके कार्यकर्ता जो थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भारी तादाद में इकट्ठा थे। उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने गुलाब के फूल से उनका स्वागत किया। जमकर राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी हुई, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट से सीधे एमपीएमएलए कोर्ट के लिए वो रवाना हो गए और रवाना होने के बाद वहां पर उनकी पेशी हुई है, जहां पर उन्होंने सरेंडर किया है। ये पूरा मामला तब ज्यादा बवाल पकड़ लिया जब इसका विरोध बिहार में शुरू होने लगा और सुशील कुमार मोदी ने मोदी टाइटल पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के पटना के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। सुशील कुमार मोदी ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे मोदी टाइटल रखने वाले लोगों को आहत किया है, उनकी भावनाओं को क्षति पहुंचाई है, जिसके बाद मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही इंतजार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो जमा थे। उनको पता था कि राहुल गांधी की 2 बजे पेशी होनी है पटना के कोर्ट में। उससे पहले राहुल गांधी जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर भारी तादाद में उनके समर्थकों की भीड़ पहले से इकट्ठा थी। थोड़े से अफरा तफरी का माहौल भी हो गया, लेकिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी वहां से निकले और निकल करके सीधे पटना के एमपीएमएलए कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पेशी से पहले एक ट्वीट भी किया। जब वो पटना नहीं पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया जिस पे उन्होंने ये लिखा कि मुझे बीजेपी और आरएसएस वाले परेशान कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, जो कि होने वाला नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और सीधे पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में जाते हैं। वहां पर वो सरेंडर करते हैं। उनके वकीलों की तरफ से जमानत जो पत्र है वो कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कुल मिलाकर के ये मामला बहुत ही गंभीर बनाया गया था। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।